असलामिकुम, हम जनरल टेक्निकल चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और आज हमारे पास टॉपिक है मार्किंग्स ऑन अ बोन। इसमें सबसे पहले हमारे पास आर्टिकुलर सर्फेसेज आती हैं। आर्टिकुलर सर्फेसेज वो बोन्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि जॉइंट्स की फॉर्मेशन करवा रही होती हैं और मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। अभी कौन कौन सी फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है ये हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म है हेड की। तो हेड क्या है? एक लार्ज राउंडेड सर्फेस है जो कि शाफ्ट से सेपरेट होती है नेक के थ्रू। सेम इसी तरह अगर आप फीमेल की एग्जाम्पल में देखें तो फीमेल की एग्जाम्पल में भी आपको ये हेड नज़र आ रहा है और ये साथ इसकी नेक है और ये शाफ्ट मौजूद है। तो अब दो तरह के नेक का जिक्र आ गया, कि एनाटॉमिकल नेक और एक है सर्जिकल नेक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि जो एनाटॉमिकल नेक है वो हेड और ट्यूबरोसिटीज़ के दरमियान प्रेजेंट होती है, जबकि जो सर्जिकल नेक है वो शाफ्ट और ट्यूबरोसिटीज़ के दरमियान प्रेजेंट होती है। अब ये शाफ्ट है और ये ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी एक नॉन आर्टिकुलर सर्फेस है, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कि एक रफ सर्फेस होती है। तो सर्जिकल नेक इसके दरमियान प्रेजेंट होती है, जबकि एनाटॉमिकल नेक हेड और ट्यूबरोसिटीज़ के दरमियान प्रेजेंट होती है, यानी कि ये ट्यूबरोसिटी और ये हेड और ये एनाटॉमिकल नेक आ गई। नेक्स्ट है कैपिचुलम। कैपिचुलम स्मॉल राउंडेड सरफेस है और जो ट्रोकिया है वो पुली शेप सरफेस है। दोनों आर्टिकुलर सरफेस हैं। कैपिचुलम लेटरल साइड पर प्रेजेंट है, रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करेगा, जबकि जो ट्रोकिया है वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करेगा और ये मीडियल साइड पर प्रेजेंट होगा। ये मैं ह्यूमरस की एग्जाम्पल दे रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कोंडाइल आ जाता है। कोंडाइल क्या होता है? कि एक राउंडेड प्रोट्यूबरेंस होती है, ठीक है, ये पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल की एग्जाम्पल में देखें, ये मीडियल कोंडाइल है और ये है लेटरल कोंडाइल। नेक्स्ट हम और कोंडाइल और कोंडाइल के ऊपर एपिकोंडाइल प्रेजेंट होते हैं। कोंडाइल में क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू अटैच होते हैं और ये आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं, जबकि जो एपिकोंडाइल है उसमें मसल्स की अटैचमेंट होती है और कनेक्टिव टिश्यू भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फेसेट। फेसेट जो होता है वो स्मॉल स्मूथ सर्फेस होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं आर्टिकुलर फेसेट प्रेजेंट है हमारी स्कैपुला में। नेक्स्ट आता है फोसा। फोसा एक होलो डिप्रेस्ड रीजन होता है बोन के अंदर, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कोरोनॉइड फोसा और ये रेडियल फोसा। नेक्स्ट हमारे पास नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेज आ जाते हैं जिन पर मसल्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास टर्म यूज हुई है प्रोसेस की। तो प्रोसेस एक बोनी प्रोजेक्शन है, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है ये स्टाइरॉइड प्रोसेस है जो कि टेम्पोरल बोन से निकल रहा है और ये पॉइंट लाइक प्रोजेक्शन है। इसी तरह ये मैस्टॉइड प्रोसेस जो कि राउंडेड प्रोजेक्शन है, टेम्पोरल बोन से ये निकल रही है और ये जो है स्कैपुला में ये क्रो लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टर्म ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर एक ब्लंट प्रोमिनेंस होती है और ये फीमेल के अंदर दो ट्रोकेंटर हैं, एक लेसर और एक ग्रेटर। इनका फंक्शन होता है मसल्स के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूबरकल्स। तो ट्यूबरकल्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंडेड प्रोजेक्शन होती हैं और ये ह्यूमरस के अंदर आप देख सकते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट बोन पर एक रफ अपेयरेंस प्रेजेंट होती है जो कि डेल्टा, जिसको हम ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, और ह्यूमरस में इसकी एग्जाम्पल डेल्टा ट्यूबरोसिटी है, जबकि फीमर में इसकी एग्जाम्पल ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है। नेक्स्ट एपिकोंडाइल हमने पहले डिस्कस कर लिया। स्पाइन के अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये नेजल स्पाइन जो है ये पॉइंटेड प्रोजेक्शन है मैक्सिला से, जबकि यही स्पाइन एक प्लेट लाइक प्रोजेक्शन है स्कैपुला में। नेक्स्ट हेमरस एक हुक लाइक प्रोजेक्शन है बोन में, और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आती है मीडियल टेरोइड प्लेट ऑफ सफिनाइट बोन। नेक्स्ट है क्रेस्ट। तो ये एक प्रोमिनेंट रिज होती है, ये फीमर की एग्जांपल में आप इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट देख सकते हैं। आगे लाइन है, तो लाइन इज ए लेस प्रोमिनेंट रिज ऑन अ बोन। तो ये फीमर की एग्जांपल में आप लाइन एस्परा देख सकते हैं जो कि एक रफ सी लाइन है। नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया एक शैलो डिप्रेशन होता है किसी भी बोन की सर्फेस पर। तो आप ये फीमर के हेड पर आप देख सकते हैं कि ये फोबिया कैपिटस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नोच। नोच इज एन इंडेंटेशन इन द एट द एज ऑफ द बोन। तो ये आप देख सकते हैं सुपर स्कैपुलर नोच प्रेजेंट है स्कैपुला में। आगे मेलुलस के टर्म यूज़ हुई है। तो मेलुलस इज़ ए बोनी प्रोजेक्शन हैविंग अ शेप ऑफ हैमर हेड। तो आप ये देखें कि टिबिया के एंड पर हमारे पास मीडियल मेलुलस प्रेजेंट है, जबकि फिब्यूला के एंड पर हमारे पास लेटरल मेलुलस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रूव्स एंड होल्स आ जाते हैं जिनमें फिशर है। फिशर एक डीप ग्रूव होता है बोन में। इसके अलावा हमारे पास फोरामेन आ जाता है। फोरामेन वो होल होता है जिसमें से नर्व्स और वेसल्स वगैरह पास करते हैं, जिसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल न्यूट्रेंट फोरामेन की, जिसमें से न्यूट्रेंट आर्टरी पास करी होती है। न्यूट्रेंट फोरामेन है और इसमें से न्यूट्रेंट आर्टरी पास करके इसके आगे हमारे पास मीटर्स। मीटर्स एक शॉर्ट कनाल होती है बोन के अंदर, जिसमें की एग्जाम्पल में हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट है सर्कस। सर्कस एक शैलो ग्रूव होता है। अब आप फिशर और सर्कस में डिफरेंस देख सकते हैं। जो फिशर है वो डीप ग्रूव है, जबकि सर्कस शैलो ग्रूव है। शैलो ग्रूव की एग्जांपल हमें यहाँ ह्यूमरस से ही मिल जाएगी, ये इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास हाइएटिस आ जाता है। हाइएटिस एक गैप होता है बोन्स के अंदर, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है मैक्सिलरी हाइएटिस।